जात पात धर्म न मानता सर्व धर्म समभाव जपणारा आणि अंत्योदयाचा विचार करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्यासाठी मावळ लोकसभा मतदारसंघातून खासदार श्रीरंग बारणे यांना मतांची आघाडी द्या असे आवाहन भाजपचे उत्तर भारतीय प्रदेशाध्यक्ष डॉ संजय पांडे यांनी खारघर येथे उत्तर भारतीय समाजाच्या बैठकीत केले. यावेळी उत्तर भारतीय समाजाने जोरदार घोषणा करून श्रीरंग बारणे यांना समर्थन दिले. खारघर येथे झालेल्या बैठकीला भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, RPI, रासप, PRP आणि मित्रपक्ष महायुतीचे उमेदवार खासदार श्रीरंग बारणे, भाजपचे मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर, भाजपचे प्रदेश सदस्य बाळासाहेब पाटील, उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख रामदास शेवाळे, उपजिल्हा प्रमुख परेश पाटील, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस शिवदास कांबळे, माजी महापौर डॉ कविता चौतमोल, माजी नगरसेवक हरेश केणी, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रथमेश सोमण, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, खारघर मंडळ अध्यक्ष प्रवीण पाटील, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश ठोंबरे, उत्तर भारतीय समाजाचे प्रदेश सरचिटणीस संतोष गुप्ता, रायगड जिल्हा अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा, उत्तर भारतीय समाजाच्या नेत्या संतोष दीदी, संतोष त्रिपाठी, राजेश पांडे, शैलेश सिंग, RP पांडे, RK त्रिपाठी, ॲडव्होकेट इंदू दुबे, दीपक शिंदे, अमर उपाध्याय यांच्यासह इतर भारतीय समाजाचे नेते कार्यकर्ते उपस्थित होते. कोई आज माता है, कोई दादी है, पर इन सबने एक काम किया होगा कि अपने बच्चों के लिए अपने पति से कुछ ना कुछ चुरा के सोना चांदी दागिना बनाया होगा कि मेरी बहू आएगी तो दूंगा. है ना, सबका, किसी को बताऊंगा नहीं. कांग्रेस सुन भी लेगी तो कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि आने वाले नहीं है वो, आने वाला तो मोदी ही है. तो अब उस बचत पे भी कांग्रेस चाहती है कि उसका आधा हिस्सा उनको दे. अब ये सोच देखिए, दो विचारधाराएं देखिए. महिला आरक्षण पे राजनीति करने वाले जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाए, पर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक भी समाप्त कर दिया और पार्लियामेंट में जो सबसे पहला बिल पास हुआ, इन मेरी माता बहनों के आरक्षण का बिल पास हुआ. पर ये सब सोच करके कि देश ने मन बना लिया है, हम शांत से बैठेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा. हिंदू संगठित है, उसे और संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदू बटा तब तब हिंदू कटा. न अब हिंदू बटेगा न हिंदू कटेगा, और मजबूती से संगठित होगा और मोदी जी को समर्थन देगा कि अगली बार 400 पार. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना या विभागात मेट्रो, विमानतळ, अटल सेतू, रस्ते, वीज, मूलभूत सुविधा देण्यासाठी नेहमी आग्रही राहिलो आहे. अशा सर्व कामांची माहिती विकास पर्व या माझ्या पत्रकात उल्लेखित केला आहे. मात्र ज्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे त्यांना हा विकास कसा दिसणार असा टोला विरोधकांना लगावला. आने वाले चुनाव में क्या करना है आपको बता दिया है. मुझे लगता है कि सभी जो राम जी का धनुष्यवान है उसको चुनेंगे और 13 तारीख को वोट भी करेंगे. पहला एक इसके पहले राजस्थान से गुजरात के भाइयों का जैन समाज का मेला हुआ था और उसमें मैंने मेरी बात रखी थी और मोदी जी के कार्य को भी रखा था. और एक बीच में एक पत्रकार भाई ने मुझे प्रश्न पूछा कि गए 10 साल में आपने क्या किया है. मैं बोला 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में या मेट्रो का काम किया, मेट्रो शुरू हुई पनवेल में, खारवर में हुई कि नहीं हुई.
पिंपरी चिंचवड में मेट्रो शुरू हुई, मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। एयरपोर्ट का काम चल रहा है, पनवेल से जेएनपीटी तक रोड का काम, आठ लेन का काम हुआ है। जो राम ने सेतु बनाया था, मोदी जी ने यहाँ सेतु बनाया, भारत का पहला सेतु अटल सेतु बनाया, जिसने आंखों पर ऊपर पट्टी बांधी है, काली पट्टी, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अडीच वर्षात ठाकरे सरकार निरुत्साही राहिले, त्यामुळे राज्याचा विकास त्यांच्या काळात खुंटला। मात्र खासदार श्रीरंग बारणे लोकांची कामे करतच होते, म्हणूनच त्यांना 6 वेळा संसदरत्न पुरस्काराने सन्मान झाला आहे। त्यामुळे धनुष्यबाण निशाणी लक्षात ठेवून प्रचंड मतांनी विजयी करा, असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केले। मैं आप सभी को ये गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 1.5 साल हम सत्ता में नहीं थे। तो सत्ता में नहीं थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उद्धव ठाकरे जी ने अपना नाता तोड़ दिया था, पर उस वक्त भी हर दम यहाँ पर हमारे सांसद बारने जी ने हमेशा से अपनी पार्टी में वहां पे इस बात को कायम रखा कि अगर देश को अगर कोई लीड कर सकता है, पूरा उनका चुनाव क्षेत्र है, 25 लाख से ज्यादा वोटिंग है, बताइए कितने लोगों को मिल पाएंगे, कितने वोटर को मिल पाएंगे। पर जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर विकास के लिए काम करते हैं। एक ऐसा सांसद हमें मिला है कि हमारे पूरे मतदाता क्षेत्र में सबसे ज्यादा यहां पर जो जो कुछ समस्याएं आई, कुछ विकास के मुद्दे हुए, इसको देश की लोकसभा में रखने का काम उन्होंने किया। तभी जाकर उनको 6 बार सांसद रत्न का अवार्ड मिल चुका है। और सबसे ज्यादा सवाल उस लोकसभा में पूछने का, अगर क्रेडिट किसके जिम्मे है, किसके नाम पर है, तो उनका नाम है श्रीरंग अप्पा बारणे। तो ये हमको इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे सांसद हमारे लिए लड़ते हैं वहां पर।